हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं और जो फर्स्ट हैंड लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें आप क्या क्या चेक करें। वैसे तो कोई भी सेकेंड हैंड लेता है तो मैकेनिक को अपने साथ लेकर ही जाता है। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक मैकेनिक को साथ ले जाएं। लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सस्पेंशन सबसे पहले देखना चाहिए, गाड़ी की सस्पेंशन एकदम बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर रफली यूज करते हैं, अगर ये रफली यूज किया होगा तो सस्पेंशन इसे ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप गाड़ी देखने से तो बढ़िया लग रहा है लेकिन फिर चलाइएगा तो कुछ दिन में आपको प्रॉब्लम आने लगेगा, स्टेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले गाड़ी को जंप करेंगे। देखिए किस तरह करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा मैन से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे देखिएगा। इसको 1 2 ऐसे करना है और जब फुल होने लगे छोड़ देना है। देखिए ये मतलब जंप कर, इसको करके छोड़ दिए तो एक से दो बार हुआ और फिर अपने जगह पे आ गया। मैं एक बार और बता दूँ, छोड़ दिया मैंने। अगर ये सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो अगर ये एक या दो बार में अपने जगह पे नहीं आएगा, 4-5 बार में आएगा तो समझ लीजिए कि ये सस्पेंशन सही नहीं है। उसी तरह उस साइड भी आएंगे, देख सकते हैं, छोड़ दिए, जल्द से आ गया अपनी जगह पे, इसका मतलब ये सस्पेंशन भी ठीक है। उसी तरह पीछे वाला भी देखेंगे, ये भी सही है। अभी साइड आते हैं, ये भी सही है, इसका मतलब इसका सस्पेंशन सही है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये चेक करना है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है इसका कि कभी या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आइए, सबसे पहले बॉनट को खोलेंगे, इसे डाइए। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो ये चेंज करना पड़ता है। तो इसे मैंने ही एक बार ठोका था तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था, चेंज करने लायक हो गया, तो इसको मैंने चेंज करवा दिया था। और इस साइड का देख सकते हैं, ये कंपनी का ही है, ये सही है, इस साइड से मैंने नहीं ठोका था। तो देख सकते हैं ये कंपनी का जो पेस्टिंग किया हुआ है, देख सकते हैं, ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं। इस साइड वाला देख सकते हैं, ये मैंने चेंज करवाया था तो इसे रीपेस्टिंग नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं ये सब थोड़ा सा पिचक गया था, देख सकते हैं, लेकिन ये कोई मेजर नहीं था, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इसे चेंज करवा दिया, क्योंकि ये स्टेयरिंग इधर उधर थोड़ा सा जर्किंग कर रहा था, उसमें जंपिंग आ गया था, इसी कारण चेंज करवाना पड़ा। दूसरा बात है, ये सब आप देखिएगा, अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो ये बैंड रहेगा, मतलब उसको सीधा किया हुआ रहेगा, वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे का भी देख सकते हैं, ये सब में पेस्टिंग नहीं किया हुआ रहता है, इधर भी देख सकते हैं, नहीं दोस्तों उधर इस सब पेस्टिंग ये सब भी है, ये सब चेंज करवाया हुआ है साइड का, मैंने चेंज साइड करवाया था, पेस्टिंग नहीं है, ये चेंज हुआ था, देख सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सा
एक्सीडेंट था, इसके कारण सिर्फ यही चेंज करवाना पड़ा, ये हल्का सा ऐसे बैंड हो गया था, मेजर नहीं हुआ था। तो ये बंद करते हैं, बंद इस साइड आइए। अगर मेजर एक्सीडेंट होता तो ये सब भी डैमेज हो जाता, मैं ये सभी चेंज करवाना पड़ता, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सब ठीक है। अभी खोलने में कुछ प्रॉब्लम है, खोल के मैं दिखा देता आपको। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो ये सब भी चेंज करना पड़ता है, ये सबको सीधा करना पड़ता है, ये सब सही है। उस साइड वाला भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं। इस साइड भी एकदम सही है ये सब। उसके बाद बात आती है टायर की। तो जब भी आप सेकेंड हैंड कार लें तो सबसे पहले टायर चेक कर लें। मान लीजिए अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम है, घिस चुका है, तो आपको एक टायर का करीब 2 से 3 हज़ार के बीच आता है इसका टायर। तो आमतौर पर आदमी गाड़ी लेने जाता है कोई भी, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है, अगर आपको चारों टायर चेंज करना पड़े तो आपको 10 हज़ार के आसपास लग जाएगा। उसके बाद आइए दोस्तों, और दोस्तों जब भी आप कार खरीदने जाए तो कोशिश करें कि सुबह टाइम में जाए, जब गाड़ी को स्टार्ट कभी नहीं किया हो, मतलब एक दिन से या 2 दिन से खड़ी हो। अंदर देखिए, स्टार्टिंग इसको करके देखना है। देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फ में। फिर एक दो बार ऑफ कर देना है, फिर स्टार्ट करके देखना है। अगर सेल्फ ज़्यादा ले रहा है तो मतलब थोड़ी देर इसको स्टार्ट करके एक्सीलेटर देकर चेक कर देना है। तो गाड़ी का इंजन का आवाज़ देख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग को भी हम चेक कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छी तरह से मुड़ रहा है टायर या नहीं, चक्का देख सकते हैं हमें स्मूथली काम कर रहा है, इसका मतलब ये सही है स्टीयरिंग का। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इंजन सही है या नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो उसके लिए दोनों खोलेंगे, देख सकते हैं अगर इंजन में कोई भी प्रॉब्लम है। आमतौर पर गाड़ी देखने से तो सही लग रहा है, लेकिन उसमें इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये नॉब देखते हैं, मोबाइल का है, चेक करने के लिए इसको निकाल देना है। इसमें से धुआं नहीं निकलना है, स्मोक नहीं निकलना है, इसका मतलब सही है। इसको रख लेंगे साइड में, इसको बंद करेंगे, फिर छोड़ेंगे, धुआं नहीं निकलना है, इसका मतलब इंजन सही है। यहाँ से भी खोल के आप देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ से खोले, काहे कि अगर मोबाइल उबिल बाहर निकल सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो, नॉर्मली आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। इसे लगा देते हैं, उसके बाद देखना है क्या कंप्रेसर काम, एसी काम कर रहा है ठीक से नहीं, तो फिर वो भी चेक कर लेते हैं। कोई भी गाड़ी लीजिएगा तो ये मत सोचिए कि एसी काम नहीं कर रहा है तो उसमें गैस डलवा के मैं चालू कर लूँ, लेकिन सबसे पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि काम कर रहा है या नहीं। देख सकते हैं एसी इसका सही है, कूलिंग इसका भी सही है। उसके बाद एसी ऑन करके एक्सीलेटर करके देख लेना है कि इंजन पे कुछ ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये सही है। फिर एसी बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं, देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही काम कर रही है। उसके बाद जब आप सुबह टाइम में गाड़ी लेने जाएंगे तो स्टार्ट जब कीजिएगा, हल्का सा यहाँ से पानी निकलेगा,
देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का पानी भी है, देख सकते हैं हल्का सा पानी आया हुआ। तो ये मैंने सुबह में स्टार्ट किया था, ये दूसरा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए पानी नहीं निकल रहा है। अगर सुबह टाइम आप गाड़ी स्टार्ट करके चेक कीजिएगा थोड़ा सा पानी निकल रहा है, इसका मतलब इस गाड़ी का इंजन एकदम परफेक्ट है। अब ये नहीं कि अब बहुत सारा पानी गिर गया फिर दोबारा स्टार्ट किया, इसका मतलब इंजन का गैस्केट ख़त्म है, वो सब चेक करवाना पड़ेगा, वो मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर सुबह पर थोड़ा सा पानी निकल रहा है गाड़ी में तो इसका मतलब इंजन सही है, उसका माइलेज एकदम परफेक्ट आएगा। उसके बाद दोस्तों वो हो गया, फिर गेट सॉरी लॉक है, ये खोलेंगे, ये सब चेक कर लेंगे पूरा, सब सही होना चाहिए, सब चेक करेंगे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, गेट सही से लॉक काम कर रहा है, ये सब भी सही है। उसके बाद बैटरी का देख लेंगे, बैटरी का क्या प्रॉब्लम है, वो सही होना चाहिए, इसका तो सही है, तो लॉक कर देते हैं। चलिए अंदर, उसके बाद इसका वाइपर चेक कर लेंगे, वाइपर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, इंडिकेटर देखेंगे ये सब सही है, हेडलैम्प देख लेंगे, ब्रेक लाइट ये सब नॉर्मल छोटा छोटा होता है, लेकिन अब जब मैकेनिक के पास जाइएगा तो इसमें बहुत सारा खर्चा पड़ जाएगा। उसके बाद मेन पॉइंट जो होता है म्यूजिक सिस्टम, तो दोस्तों बिना म्यूजिक सिस्टम के तो कोई गाड़ी मेरे ख्याल से कोई नहीं रखता है, म्यूजिक सिस्टम तो रहना ही चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वो बढ़िया कंपनी का है, लोकल कंपनी का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम मार्केट में अगर म्यूजिक सिस्टम आप बढ़िया लगवाइएगा तो 6-7 हज़ार रुपया लग जाएगा, तो वो आप अपना हिसाब से कम करवा सकते हैं। तो गाड़ी को बंद कर देते हैं, ये सब सही है गाड़ी का। अब उसके बाद इसका ऊपर का सरफेस देख लीजिए, ये सब एकदम बिल्कुल सही रहना चाहिए, सीट वुट। उसके बाद दोस्तों मैंने स्टीयरिंग के बारे में तो बता दिया, हैंड ब्रेक, उसके बाद सही से देखना है गाड़ी को, चला कर देखना है कि ये कैसा रन कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्लच प्लेट चेक करने के लिए मैं एक आइडिया आपको बता देता हूँ, इसको एक नंबर में डाला ठीक है, और इसे क्लच धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इसको एकदम स्मूथली छोड़ना है, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं गाड़ी एकदम सही चल रहा है। ब्रेक चेक कर लेना है, इसको स्पीड में थोड़ा सा बैक करके, ये सब ब्रेक व्रेक ये सब चेक कर लेना है। चलिए इसको एक आपको क्लच प्लट चेक करने के लिए एक नंबर में डालना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, आराम से आगे चली जाती है, तो इसका मतलब इसे क्लच प्लेट अभी चल रहा है ठीक है, उसको चेक करने चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप NH में जाकर हाईवे पर जाकर एक बार गाड़ी का ड्राइव ले लें और फिर आप कार ले सकते हैं। उसके बाद और मैं बता दूँ अब बूट स्पेस, एक बार जरूर स्टेपनी जरूर चेक कर लें, नहीं जाना है तो स्टेपनी के लिए खोल के, इसमें इसका जक और जो भी टूल आता है वो उड़ाना ज़रूरी है। आमतौर पर सेकेंड हैंड कार लेने जाएंगे तो वो क्या करता है कि निकाल लेता है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टेपनी, और स्टेपनी ये सही है, एकदम सही काम कर रहा है, होना चाहिए। और ये जक हो गया, इधर लो ये यहाँ पे रहता है इसका जक का टूल, ये मैंने इसे टाइट करके रखा है, तो जर्किन में वो आवाज़ करने लगता है, एक बार जरूर चेक कर लें। इसे परफेक्टली काम करना चाहिए, ये सब सही है। तो इसके बाद आप दोस्तों आप खुद से गाड़ी जाकर चेक करके ले सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो एक बार ज़रूर बताइएगा, और सेकेंड हैंड कार लेने से पहले एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, हो सके तो मैं आपको और इसे ज़्यादा जानकारी दे सकूं, क्योंकि इसमें थोड़ा बताने में कुछ भूल जा सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा हमसे,
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, सोच रहा हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा है ही नहीं, फिर वो करने से तो कोई होने वाला है नहीं। मैं अपना बहुत टाइम इसमें दे रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग से एक अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, जो कि मैंने एक सेब्रोलेट का गाड़ी देखा है स्पार्क, उसी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड हैंड है वो, लमसम 2009 मॉडल है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिव्यू भी बनाया है, तो वो रफली यूज किया हुआ गाड़ी है। हाँ दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ आपको कि गाड़ी ये 2011 मॉडल है, इसका तकरीबन LXi है इसका प्राइस होना चाहिए, और कंडीशन में जैसे इस टाइप में गाड़ी आपको मिलता है तो आप इसे 1,30,000 से 1.5 लाख के करीब में आप ले सकते हैं इसको, अगर इस कंडीशन में है तो। नहीं तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें, टायर उड़ ख़राब है, तो आप 1,10,000, 1 लाख वो तो आप कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर गाड़ी मान लीजिए कि ये मात्र 35,000 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन 35,000 किलोमीटर चला हो या 1 लाख किलोमीटर चला हो वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 35,000 किलोमीटर चला हुआ है और उसे रफली यूज किया गया है तो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी, और 1 लाख किलोमीटर चला हुआ है अगर बढ़िया ड्राइवर है, बढ़िया से चलाए हुए है, तो उसमें आपको 35,000 किलोमीटर चला हुआ है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मिल सकती है, लेकिन 1 लाख किलोमीटर चला हुआ है उसमें कम प्रॉब्लम मिलेगी, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू।